मैं इतना क्यों डर रहा हूँ, ये सिर्फ एक टेस्ट ही तो है। नारुतो, हाँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जवाब दिखा सकती हूँ। तुम भला मुझे अपने जवाब क्यों दिखाना चाहती हो? क्यों? वो इसलिए कि... समझ रहे हो? मैं बस चाहती हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना ना पड़े। कितना अच्छा होगा अगर हम एक साथ रहें। मुझे लगा था तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। सॉरी। ये तो कमाल ही हो गया। मैं जिसके पास बैठा हूँ वो तो खुद ही चाहती कि मैं उसके जवाब कॉपी करूँ। हे, मैं एक नंबर निंजा हूँ, मुझे पास होने के लिए चीटिंग करने की जरूरत नहीं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अगर मैं चीटिंग करते पकड़ा गया तो मैं नहीं चाहता तुम मुसीबत में पड़ जाओ। ये मेरी फिक्र करता है। कौन है ये लोग? आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपने दम है तो एक बार फिर बोल कर दिखाइए। ओह अच्छा, तुम्हें अपनी इंसल्ट करवाने का बड़ा शौक है। तो सुन लो मिस्टर, मुझे दोबारा इस्लाम से बुलाया तो देख लेना। कोई मुझे बच्चा बुलाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खत्म। अरे दिखता नहीं मैं यहाँ खड़ा था? नहीं। तुम्हें रास्ते में खड़े होने को किसने कहा? नारुतो क्या ये तुम हो? नहीं। ये क्या कोनोहामारु, क्या ये तुम हो? नहीं। अरे बस कर भाई, बड़े दिनों बाद मिले। अच्छा शिकमारू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर बार की तरह इचिराकू नूडल्स नहीं ठूस रहे? खुद तो पूरा दिन पेड़ के नीचे पड़े रहते और मुझे बोल रहे हो। आप कैसी हैं लेडी सुनाड़े, हम काफी अरसे बाद में। ओके। ये नई लड़की कौन है और ये डैड से ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे उनकी बॉस हो? और वो कोई लड़की नहीं है, वो असल में 50 साल की बूढ़ी दादी माँ। A few moments later. Hey, good morning, Sakura. क्या हाल है? बुरा लगता है भाई आप लोग। लगता है जैसे मैं दो बच्चों के बीच फंस गई हूँ। अच्छा। सॉरी मैं लेट हो गया, फिर से काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था। क्या? मैं अगले निंजा मिशन के लिए तैयार हूँ सेंसे। मुझे अपने अंदर की आग बाहर निकाली है, ये देखो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। सास के, ये हमारे मिशन में हमेशा सबको बचाता है। क्या मैं क्या बोला तूने? खुद तो हीरो बन जाता है और मुझे लूजर साबित कर देता है। आखिर बात क्या है, अपना ख्याल नहीं रख सकते सास के? ये क्या है? एक दिन बकवास नहीं करोगे तो तुम्हारा हाजमा बिगड़ जाएगा क्या नारुतो? अब तो सास्के से अच्छा करके ही दिखाऊंगा। लड़के, मैंने आपकी सारी जंगली घास निकाल दी, अच्छा किया ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने अपने लिए स्पेशल जड़ी बूटी उगाई थी और तुमने वो डिस्ट्रॉय कर दी। खत्म, गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं। A few moments later. अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। लूजर नंबर वन। वो जगह डॉगीज के लिए नहीं, वो एक माइंड फील्ड है। जरा खुद को देखो, तुम किसी काम के नहीं नारुतो। सास्के! मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा तुम्हें लगता है तुम बाकी सबसे बेहतर हो? बाकी सबसे नहीं, सिर्फ तुमसे। सास्के मैं भी आ रही हूँ, मेरा मतलब है
क्यों ना हम कहीं अकेले घूमने चले, इससे हम अपने टीम वर्क पर काम कर पाएंगे। कसम से तुम तो नरूटो से भी बुरी हो। मेरा पीछा करने के बजाय जाकर प्रैक्टिस करो ताकि हमारी टीम ताकतवर बने। सास्के जाता है तो जाने दो, हम दोनों एक साथ दिन भर अपने टीम वर्क पर काम करेंगे। समझ रहे हो? मैंने आज तक इतना बेकार डिस्गाइज नहीं देखा। पत्थर भी कभी स्क्वायर होते हैं क्या? अपनी तरह उल्लू समझ रखा है क्या? तुमने तो मुझे फिर से पकड़ लिया। हाँ मुझे पता था ये तुम ही हो कोना हमरू। अच्छा। अपने माथे पर गॉगल्स क्यों चिपका रखे हैं? तुम गॉगल्स पहनते थे याद है, इसलिए हम तुम्हें कॉपी कर रहे हैं। मगर क्यों? पर तुमने वादा किया था आज हमारे साथ निंजा निंजा खेलोगे। निंजा निंजा खेलता हुआ एक निंजा इससे बदतर क्या होगा? वो मुझे देखती जा रही है, मैं तो शर्म से लाल हो रहा हूँ। बॉस वैसे ये लड़की कौन है? समझ गया, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। बॉस मुझे पता है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तुम किस तरह की बेस्ट फ्रेंड हो? कैसी बेस्ट फ्रेंड हो? फेल हो तुम। म्यूजिक गोल चेहरा है, गोली जैसी कड़वी है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब ये कौन है बे? कौन है अमरू? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है छोटी? बुरा लगता है भाई आप लोग। अपनी सलामती चाहते हो तो उसे नीचे रख दो। उसके यहाँ आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है, तब तक तुम्हारे साथ खेल लेते हैं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। उसे नीचे रखो। अब आए ना लाइन पे। बहुत हुआ, उसे नीचे रखो वरना मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ दूंगा। बेवकूफ तो तुम हो। मैं गरीब हूँ। पहले मैं इसे ठिकाने लगाऊंगा, उसके बाद दूसरे वाले को निपटाऊंगा। तुम अपने घर से दूर हो, ये सब तुम पर जचता नहीं। ये सच में हैंडसम है। समझ रहे हो? गेट लॉस्ट। वो कितना कूल है। तुम उसके जैसे कूल क्यों नहीं हो? क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो सिर्फ 2 सेकंड में उसे मात दे सकता था। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुमसे ना हो पाएगा। अबे सरदर्द हिम्मत है तो नीचे आ। काम करो बस करो। तुम हमारे गांव के नाम पर धब्बा हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर कोई भी शिनोबी बिना परमिशन के दूसरे गांव में नहीं जा सकता है। मजाक कर रही हो? ये बताओ तुम सब इसी गांव के हो या कहीं और के? और हम यहाँ चुनिंग एग्जाम्स के लिए आए हैं। ओह तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो उसमें फर्स्ट आऊंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार आप। रुको तुम कौन हो मुझे बताओ। तुम मुझसे पूछ रहे हो? नहीं। तू मेरा नाम जाने के लिए बेचैन हो ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ कोना हमरू, क्या दिखने में मैं कूल नहीं हूँ क्या? नहीं। सास के मुकाबले तुम काफी बुद्धू लगते हो।